हमें जिन चीजों की जरूरत है, फालसा का शरबत में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती, ये एक या दो मिनट का काम होता है जिससे बहुत बहुत जल्द फालसे का शरबत तैयार हो जाता है। तो इसे पीने से ठंडक, इंसानी जिस्म में ठंडक, हमारे जिस्म में ठंडक पैदा हो जाती है। तो एक पाव हमें फालसा चाहिए और फालसे को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए क्योंकि इस पर काफी डस्ट लगी होती है। तो देखिए ये माशाल्लाह से फ्रेश फ्रेश और ताज़ा फालसे हैं, आपने बिल्कुल मुरझाए हुए और बिल्कुल यानी कि जो पिलपिले से फालसे आपने बिल्कुल नहीं लेने, तरोताज़ा लेने हैं फालसे। इससे हमारा शरबत भी अच्छा बनेगा और इसका जायका भी अच्छा आएगा। और ये काला नमक है जो कि हमारे जो कि रेसिपी की जान है, इसके बगैर हमारा फालसे का शरबत की तकरीबन हमारे फालसे के शरबत इसके बगैर जायका नहीं आएगा। और हमें ये चार हमने ये आधा हाफ कटोरी हमने ये चीनी की ली है और ये हमने बर्फ़ बारीक कूट ली है। इसके लिए हमें सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहें तो आप पुदीने के चंद पत्ते भी अपने फालसे के शरबत में डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल ही हम ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो मेरी फालसे हम अपने मशीन में डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐड करेंगे एक किलो पानी इसमें हमने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पाव फालसे में हमने एक किलो ही पानी इसमें ऐड करना है। ये हम अपनी चीनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके हम चार चम्मच डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी के फालसे दो तीन चार, क्योंकि फालसे तुरश होते हैं इसलिए ज़रा ज़्यादा चीनी ही फालसे में अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी चीनी आप डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा हमने काला नमक डालेंगे जो कि इस रेसिपी की जान है। इसके बाद हम अपना ढक्कन बंद करते हैं और मशीन का बटन ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारे व्यूअर्स, हमने मशीन अपनी बंद कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह से देखें हमारा शरबत तैयार हो चुका है। अब डोंगे में बर्फ डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि यख ठंडा होने चाहिए, बर्फ शरबत हमारा यख ठंडा होना चाहिए, इसलिए हम सारी चीज़ बर्फ इसमें डाल लेंगे। इसके बाद इसे हम छान लेंगे, हम छन्नी के साथ इसे छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारे फालसे का पल्ब है वो ऊपर रह जाएगा और जो फालसे का जूस है वो नीचे चला जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारा ये शरबत, फालसे का शरबत हमारा तैयार हो चुका है, ठंडा यख शरबत। और जो मेरी बहनें हैं, बच्चे जब स्कूल से आते हैं, बच्चियाँ कॉलेज से आती हैं, तो बच्चे तो आप लोग ये शरबत बना के दें तो आप बहुत तो बच्चों को ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो माशाल्लाह से ये हमारा शरबत तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको हमारा ये बनाया हुआ फालसे का शरबत कैसा बना। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा फालसे का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बच्चों के लिए, बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत शौक से पिएंगे। फीडर में डाल के दें, बच्चे फीडर में डाल के दें और जल्दी तैयार होने वाला शरबत है और बहुत सस्ता शरबत है, महंगा ज़्यादा शरबत नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, बाद रखे, स्वस्थ रखे। आप लोग मेरे लिए दुआ करो और मेरी दुआ आप लोगों के लिए। तो प्यारे व्यूअर, ये देखें आसमान पर बादल काफ़ी छाए हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कि भैया सारा दिन धूप बहुत तेज रही है। तो प्यारे व्यूअर, अब माशाल्लाह से बादल कुछ कुछ साफ हो गया है। सारा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह को बहुत प्यारी बहुत मज़े की हवा चल रही थी, तो बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।